रुख करेंगे कोयटा का, जहां पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया है। मुसाफिरों के शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा सामीर से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ही यहाँ पर किरायों में भी इजाफा हो गया है। कोयटा समेत जो अंदरून शहर है और उसके अलावा जो दीगर सूबों में जाने वाले जो लोकल बसेस हैं, यहाँ पर जो डाइवो हैं और मिनी बसेस हैं, उनके किरायों में यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किल हो रही, किस कदर किरायों में इजाफा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना किरायों में इजाफे हुए हैं। अभी देखे कराची वाले को देखे, उन्होंने भी पहले जो थे वो 1000 रुपये थे फॉर एग्जांपल, अभी जो है ना वो लोग 1500 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में जो है ना किराए में इंक्रीजिंग हो रही है और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा किराया जो है ना वो लेते हैं। कोयटा से कराची जो जाने वाली बसेस हैं उनके किरायों में यहाँ पर 30 से 35% इजाफा हुआ है। जो ड्राइवर पहले यहाँ पर 2500 रुपये उनका किराया था, लेकिन अभी एकदम से वहाँ उनका किराया 3000 हो गया। इसी तरह से जो 3000 पे टिकट थी वो 3500 पे चली गई। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात हो रही है, क्योंकि अंदरून शहर जाने वाले जो यहाँ पर लोकल बसेस थे उनके किरायों में भी इसी तरह से पहले 1000 रुपये था तो अभी 1500 रुपये हो गया है और लोगों को मुश्किलात हो रही है। अब आवाम के लिए किसी और शहर जाने के लिए भी जो है ना वो सोचा जा रहा है कि अब सफ़र किया जाए या ना किया जाए। जी